भारत के किसानों का कैसे बजेगा ग्लोबल डंका? किसानों का अगला प्लान क्या है? भीषण सर्दी में किसानों को कितनी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं? विपक्ष की नई मांग क्या है? किसान आंदोलन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 छल वर्सेस हल में। आज एसोचैम सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत के किसानों का डंका बजना चाहिए, गांव के किसानों की पहुंच ग्लोबल मार्केट तक होनी चाहिए। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल प्रोडक्ट, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए। गाजीपुर में किसान लगातार डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि कल इस आंदोलन में शहीद हुए किसानों को याद किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक पूरे देश में कुर्बानी देने वाले किसानों की चर्चा होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार को बात करनी चाहिए, किसान बात करने के लिए तैयार है। फूड सप्लाई चेन को किसानों ने बंद नहीं किया है और न ही ऐसा करेंगे। फूड सप्लाई चेन को किसानों ने बंद नहीं करा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन का आज 24वां दिन है। दिल्ली की कुछ सीमाओं पर आज भी किसान डटे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों ने खुले आसमान के नीचे सर्द रात काटी। तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री रहेगा और ऐसे में यहाँ पर जो किसान है, देखिए किस तरीके से सर्द रातों को ऐसे खुले आसमान के नीचे बिताने के लिए मजबूर है और उसकी वजह है इनका आंदोलन। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी सोलर पैनल से फोन और ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि सोलर प्लेट लेकर आए हैं कि अगर फोन की बैटरी डाउन हो गई तो घर पर बात नहीं हो पाएगी। यूपी में योगी सरकार और बीजेपी संगठन ने मिलकर नए कृषि बिल के बारे में किसानों को जागरूक करने की रणनीति तैयार की है। यूपी के सभी 826 ब्लॉक्स में वर्चुअल स्क्रीन के जरिए पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे। इसी दिन किसानों के खाते में सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर होगी। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कृषि कानूनों का फायदा समझाने का ढोंग कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कृषि कानून बनाने से पहले किसानों से रायशुमारी नहीं की गई, ये कृषि कानून नहीं बीजेपी का शिकंजा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए मांगे मान लेनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार को जिद छोड़कर तीनों कानून वापस लेने चाहिए, बीएसपी की यही मांग है। नए कृषि कानून के विरोध में जंतर मंतर पर क्रॉसिंग के पास कांग्रेस के सांसदों का 7 दिसंबर से धरना जारी है। हर दिन कांग्रेस के नेता इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। आज उत्तराखंड के पूर्व पीएम हरीश रावत भी धरना स्थल पर पहुंचे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।